कुर की जब्त हुआ था, इसी घर से सब सामान जो कि निकाल कर और जो कि प्रशासन के लोग ले गए। सीएम बनेगा उसका सपना छूट जाएगा तेजस्वी यादव का। यही घर है, यही खपड़े का घर है, देखिए यही खपड़े का घर है। कैसे कोई जो कि खपड़े के घर से जो कि बेईमानी सीएम का लायक है मनीष कौशिक। जरा सोचिए, परिवार का बच्चा जब समाज में जो कि भ्रष्टाचार होता है तो किस प्रकार से अपने माइक को अपना बंदूक बनाकर निकलता है और समाज के बुराइयों को नष्ट करने के। यही जो कि मनीष भैया का गांव है जो कि बेतिया जिला के जो कि महानवा डुमरी गांव में पड़ता है और यही इनका घर है, देख सकते हैं। और मैं सब चीज़ें अंदर चलकर दिखाने का प्रयास करूँ। कुछ दिन पहले जो कि कुर्की जब्त हुआ था, इसी घर से जो कि टाली पर सामान लाद कर निकाला गया था, यही उनका घर है। और देख सकते हैं, गरीब परिवार से निकल कर किस प्रकार से बिहार के लिए 2012 से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का जो कि उन्नति हो, बिहार का विकास हो। बिहार का हर घर से युवा जो कि निकले और कुछ इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, जो भी फील्ड में वो बनकर दिखाए, और इसी घर से जो कि निकल कर और निरंतर प्रयास करेंगे। अंदर का भी घर दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, एक गरीब परिवार का बेटा जब निरंतर प्रयास करता अपने क्षेत्र को बदलने के लिए, देखिए यही घर है और इसी घर से कुर्की जब्त हुआ था और देख सकते हैं। और आज जो कि रिमांड पर चल रहे हैं, पुलिस द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया गया है, देख सकते हैं। यही सब घर है उनका और देख सकते हैं। इधर दिखाइए, देखिए खपड़े का घर है। और एक गरीब परिवार का बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक गरीब परिवार का बच्चा जब समाज में जो कि भ्रष्टाचार होता है तो किस प्रकार से अपने माइक को अपना बंदूक बनाकर निकलता है और उस समाज के बुराइयों को नष्ट करने के लिए और गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, जंगल राज खत्म करने के लिए निरंतर किस प्रकार से प्रयास करता है, देख सकते हैं। यही घर है उनका, देखिए। ये कोई जो कि बड़े जो कि बाप के बेटे नहीं है, और ये जो कि ये देख सकते हैं सब जो कि सामान है जो कि जब्त की गई है, और यही महानवा डुमरी गांव है जो कि बेतिया जिला में पड़ता है, देख सकते हैं। और यही इनका घर है। तो रिक्वेस्ट है सरकार से, एक भैया और है, क्या नाम है आपका भैया? मेरा मामूल नाम पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ सब लोग भैया? अच्छा, शोक में है, ठीक है ना, वहाँ पे महाजग हो रहा है, वहीं पे सब लोग हैं। अच्छा, महाजग भी हो रहा है? हाँ, महाजग उनके नाम पे हो रहा है। अच्छा, मनीष भैया का घर है? हाँ, एक कैसे व्यक्ति हैं आखिर में, बिहार के लिए लड़ते हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एकदम सच तक व्यक्ति हैं, अच्छे आदमी के लिए लड़ते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे व्यक्ति। और यही उनका घर है पूरा, और देखिए यही उनका घर है, देख सकते हैं। चारों तरफ मैं पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा, बीच में जो कि देख सकते हैं। और देखिए यही घर है, यही खपड़े का घर है, देखिए यही खपड़े का घर है। कैसे कोई जो कि खपड़े के घर से जो कि बेईमानी करेगा, आप लोग सोचिए ना। एक खपड़े से घर का निकल के एक जो कि सच तक न्यूज़ चलाकर मनीष कश्यप जो कि अपने आप को सन ऑफ बिहार बोलते हैं, और आज जो कि पूरे भारत में उनकी चर्चा हो रही है, जरा सोचिए किस प्रकार से। और इधर देखिए, और सब यही घर है, और जो है कि हमें प्रयास करना पड़ेगा निरंतर। इधर देखिए, जो कि कल है, और इसी घर से जो कि देख सकते हैं, और इसी घर से जो कि कुर्की जब्त हुआ था, इसी घर से सब सामान जो कि निकाल कर और जो कि प्रशासन के लोग ले गए थे, उनके ऊपर जो कि FIR हुआ है, 3-3 FIR हुआ है और वारंट जारी हुआ है, देख सकते हैं। और यही महानवा डुमरी गांव है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे व्यक्ति हैं मनीष कश्यप जो कि निरंतर बिहार को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। एक भैया और आ रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? मेरा नाम उत्सव कुमार। अच्छा, मनीष कश्यप भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया आदमी है वो। अच्छा, इसी घर से उनका कुर्की जब्त हुआ था? यस। अच्छा, यहीं से। आप कितने दिनों से जानते हैं उनको? जब से मतलब बड़ा हुआ तब से। अच्छा अच्छा, ये बताइए, बिहार को बदलने के लिए अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं? वो एकदम से कर रहे हैं, पूरा जमीन से जुड़े हुए जो भी काम है एकदम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सीएम के पद के उम्मीदवार में देखा जा रहा है तेजस्वी यादव को और जो कि मनीष कश्यप, वो तो किस प्रकार से आप देखते हैं? हम भी देखते हैं कि सीएम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, कैसे जमीन से जुड़े हुए, एकदम छोटे से गांव में घूमे हुए तो पता चल गया होगा यहाँ पे सीएम का लायक है मनीष कौशिक। जरा सोचिए, छोटा सा बच्चा कह रहा है सीएम का लायक है, देखिए थोड़ा सा क्या कह रहे हैं मनीष कौशिक जो है ना। अच्छा, सीएम का लायक है। अच्छा, मनीष कौशिक भैया को सीएम बनना चाहिए? जी। अच्छा, किस प्रकार आप देखते हैं मनीष भैया को? बहुत सा प्रकार, यहाँ पे रोड नहीं बना, वहाँ पे जाएगा बोल दिए तो रोड बन रहा है। अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, इस गांव में बाढ़ भी आता है का? जी। अच्छा, इधर हम पुरवा है, जो बाढ़ आता है तो वहाँ से डेंगी पे वो मंगाते हैं अपना पैसा लगा को। अच्छा, मनीष भैया के बारे में जानते हैं आप लोग? बहुत जानते हैं। अच्छा, कैसे हैं मनीष भैया? बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप लोग उनको समर्थन करते हैं कि नहीं? करते हैं। अच्छा, कैसे समर्थन करते हैं आप लोग? हम लोग रोड पे जाकर कॉल करते थे, पुलिस आया था। अच्छा अच्छा, और बहुत आदमी को मारा भी था। अच्छा अच्छा। अच्छा, मनीष भैया कैसे हैं, अच्छे आदमी हैं कि बुरे आदमी हैं? अच्छे आदमी हैं। बढ़िया काम करते हैं कि नहीं? बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, 6 लैपटॉप भी लगवाए हैं आपके विद्यालय में? जरा सोचिए, इनके विद्यालय में 6 लैपटॉप लगाए हैं और इन सभी लोगों का उज्ज्वल भविष्य के लिए लगवाए, देखिए बच्चे हैं। और देखिए, आप भी, आपके भी विद्यालय में लगाए हैं? जी।
अच्छा मनीष भैया अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। अच्छा है? जी लैपटॉप नहीं लगा सिफ्टी बनवाए हैं। अच्छा सिफ्टी भी वही बनवाए हैं। और क्या बनवाए हैं भाई? लैपटॉप लगा सिफ्टी बनवाए हैं, बहुत रुपया दे हैं पूजा में। जरा सोचिए छोटे छोटे बच्चे और ये सभी बच्चों को देखिए कितना बड़ा दिमाग है कि मनीष कश्यप पूजा हो रहा है। अच्छा पूजा भी हो रहा है? हाँ मनीष जाकर देख लीजिए पोस्टर आगे आगे इसी पर गेट पर देख लीजिए। अच्छा मुख्यमंत्री की बात आ रहा है कि मुख्यमंत्री बोल रहा है कि तेजस्वी यादव को बना जाए मुख्यमंत्री की मनीष कश्यप बनेगा सीएम बनाया जाए। अच्छा मनीष भाई सीएम बनेगा उसका सपना छूट जाएगा तेजस्वी यादव का। अच्छा छूट जाएगा मुख्यमंत्री बनने के लिए। अच्छा बहुत बहुत साल से बिहार में राज किए हैं। अच्छा अब थोड़ा मन अधिक करने दीजिए। अच्छा तो मनीष भैया सीएम के लायक है? हाँ आप लोग भी सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा देखिए छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप जो सन आप बिहार का अपने आप को कहते हैं उनको मतलब मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे। और देखिए इनके इनके हाथों में देखिए किताब है और ये अपना उज्ज्वल भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी बुक से जो कि शिक्षा की क्रांति से ईमानदारी से पढ़ने के लिए तो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं लोग। अच्छा अब कंप्यूटर लगवाए हैं लोग तो। अच्छा स्कूल में। अच्छा आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं? अच्छा ये बताइए बिहार में कह रहे हैं सबकी जंगल राज आ गया, आप लोगों का क्या विचार है? जंगल आज कभी नहीं आएगा। अच्छा अब नहीं आएगा? अब नहीं आएगा, दूर हट गया वो। अच्छा। मनीष भैया का नाम सुनकर। हाँ आज पूरा बिहार जो है कि मनीष कश्यप को रिहा कराने के लिए जो कि 23 मार्च को पूरा जो कि सड़क पर उतर गया था। क्या कर रहे हैं बाबू आप? तेजस्वी यादव 9वें फेल है। अच्छा वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? अच्छा सपना टूट जाएगा। सपना टूट जाएगा कौन कह रहा है नू? अच्छा ये लोग छोड़वा दीजिए तो जानिएगा अपने बारे में, समझ गए? तो मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे मनीष भैया को रिहा कराने के लिए? मनीष भैया को रिहा करने के लिए। अच्छा और देखिए छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं मनीष कश्यप का, यही उनका घर है आप देख सकते हैं। और निरंतर बिहार को बदलने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ निरंतर बिहार को बदलने के प्रयास कर रहे हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं और इनको रिहा मतलब होना चाहिए कि नहीं इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और सच्चाई का साथ देने के लिए हमें निरंतर जो कि सपोर्ट करते रहिए, इसी प्रकार से हम सच दिखाते रहेंगे। जय जवान जय किसान।